थम्स अप करो, नहीं भाई ऊपर नहीं, ऊपर इसका तो रिव्यू काटना पड़ेगा हमारे को। भाई ये चलो फ्रिज थैंक यू जिसके भैया। अंदर हमने लगानी है एम्बियंट लाइटिंग, आर्मरेस्ट और डोर वाइजर और GFX मैट और मड फ्लैप, वो तो छोटी मोटी आइटम है। बाकी देखते हैं आगे बढ़ करके भैया को क्या क्या समझ में आता है, क्या क्या पसंद करते हैं, वो हम और गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। गाड़ी की एम्बियंट लाइटिंग जिसके अंदर होते हैं 64 कलर, कस्टमाइज कलर भी कर सकते हैं आप, क्लासिक स्ट्रेट मूड और ब्राइटनेस कंट्रोल और डिम भी कर सकते हैं और वॉइस कंट्रोल वगैरह के भी सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ खुल चुका है हमारा अपना ब्रेजा का डोर पैनल, देखते हैं इसके अंदर कहाँ फिटमेंट अच्छी आती है और जहाँ पे भी बेस्ट जगह होगी उसको हम वहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो ब्रेजा बाइस हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है जिसके अंदर हमने इंस्टॉल करा है अपना डोर वाइजर और लोअर गार्निश और एम्बियंट लाइटिंग, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस वक्त जल रही है ब्लू कलर में, और GFX के मैट, और इसके अंदर इंस्टॉल और करा है हमने आर्मरेस्ट जो कि MGP का MGP का आर्मरेस्ट जिसकी मैं आपको फिटिंग दिखा दूं पीछे से भी। MGP का आर्मरेस्ट जिसके अंदर हमने OEM सॉकेट भी, चार्जिंग सॉकेट भी लगाए हैं, वो भी कपलर टू कपलर। तो यार हमारी एम्बियंट लाइटिंग जो 6 पीसेस में हमने इंस्टॉल करी है मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे हो गए 4 डोर, और डैशबोर्ड की मेरे को थोड़ा सा क्लोज जाकर के दिखानी पड़ेगी आपको, क्योंकि डैशबोर्ड का जो पीस है बिल्कुल ऐसा लगता है लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, आप खुद देख के बता दो। अब आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको विजिबल ही नहीं होगा कि हमने फाइबर स्टिक कहाँ एड ऑन करी है। चलाइए अब ये देखिए बिल्कुल एकदम विजिबल ही नहीं होगी और बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ लगी है। अब पूछ लेते हैं कस्टमर से कि आप उनको हमारा काम कैसा लगा। एक्सेलेंट भैया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट तो सारा काम एक्सेलेंट। अच्छा जो मैंने आपको सजेस्ट करा जैसे कि मैट हो गए या फिर हमने जो एम्बिएंट लाइटिंग बताई आपको, आपकी एक्सेलेंट चॉइस है बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वेरी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड हो? यस यस। चलो हाँ जी आपको कैसा लगा? दो नंबर थम्स अप करो आज भी। ओ तेरी थम्स अप करो। नहीं भाई ऊपर ऊपर इसका तो रिव्यू काटना पड़ेगा हमारे को। चलो थैंक यू भैया। थैंक यू।